कस्टमर्स ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कि कस्टमर्स की लिस्ट कैसे देखी जाती है। कस्टमर की लिस्ट देखने के लिए हम फिर से वही ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमर लिस्ट। तो कस्टमर लिस्ट में जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे वो रूट। तो यहाँ पे जो रूट में जितने कस्टमर्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। सपोज़ हमने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें हमारे दो कस्टमर्स शो हुए। फर्स्ट कस्टमर है हमारा, हम क्लिक करके देखेंगे कि उस पर क्या होता है। अगर आपको एडिट करना है तो नीचे एक ऑप्शन दिया है एडिट। अगर आपको ये कस्टमर डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। और आप अगर इस राइट हैंड साइड में कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर ने कब कब कितना कितना मिल्क लिया है या फिर उसने कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज़ कस्टमर को मिल्क नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर डेट पर क्लिक करेंगे। सपोज़ हमने एक डेट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मिल्क स्टेटस। वहाँ से अगर आप नो मिल्क सिलेक्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर डेट के लिए आपका नो मिल्क स्टेटस सेट हो जाएगा और नीचे आपको शो करेगा कि आपने इस पर्टिकुलर डेट पे मिल्क नहीं लिया है या आप नहीं लेना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको किसी दिन कम या ज़्यादा करना है मिल्क की क्वांटिटी तो कैसे करेंगे। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर, हम क्लिक करेंगे उस डेट पे। डेट पे क्लिक करने के बाद हम मिल्क स्टेटस में जाके सिलेक्ट करेंगे मीन मैक्स। मीन मैक्स सिलेक्ट करने से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो मिल्क का स्टेटस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक दिन काउ मिल्क नहीं लिया तो मैंने उसे माइनस कर दिया एंड देन ओके। ओके करने के बाद मुझे उस पर्टिकुलर डेट पे ब्लू कलर का इंडिकेशन आ जाएगा कि उस दिन हमने मिनिमम या मैक्सिमम मिल्क लिया था और यहाँ पे नीचे क्वांटिटी आपको शो हो जाएगी कि कितना कम मिल्क लिया था। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड करना है। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे एक पर्टिकुलर डेट पर। डेट पर क्लिक करने के बाद हम मिल्क स्टेटस में सिलेक्ट करेंगे ऐड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पर। ऐड प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे और उनकी क्वांटिटीज़, तो आप जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। देन हम करेंगे क्लिक प्लस पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए और ऐड होने के बाद हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है और आपके कैलेंडर में भी शो होगा कि किस डेट पर उस पर्टिकुलर कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया है। इफ़ इन केस अगर कोई कस्टमर वेकेशन पे जा रहा है, जैसे बाहर है या फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें मिल्क नहीं चाहिए, तो हम क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हैं प्लान वेकेशन। यहाँ पे हम फ्रॉम डेट एंड टू डेट मेंशन कर देंगे। सपोज 18 to 21 उन्हें मिल्क नहीं चाहिए, देन क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पे सेव हो जाएगा कि इतने दिनों तक उन्हें मिल्क नहीं चाहिए। अगर पर्टिकुलर कस्टमर को कुछ एक दिन के इंटरवल में मिल्क चाहिए तो वो भी हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे इवन एंड ऑड पे। इवन एंड ऑड पे क्लिक करने के बाद इवन पे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है नो मिल्क, उस पर क्लिक कर देना है तो आपके एक दिन के गैप में आपके यहाँ मिल्क डिलीवर होगा। सपोज़ ऑड डेज में चाहिए था तो आप ऑड सिलेक्ट करके भी सेम कर सकते। और अगर कम या ज़्यादा मिल्क चाहिए किसी दिन तो आप नीचे का ऑप्शन मिन मैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं।